हेलो गाइज, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल ने स्किल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश सेटिंग यूटिल सेट 3B3East की। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको दिखाया था 2 फीट पर इसका सेटिंग है। तो दोस्तों, 2 फीट पर पहले मुझे काफ़ी चैनल रिसीव हो जाते थे बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन आज की डेट पर इसका कवरेज जो है थोड़ा कम हो गया है। इसका सिग्नल फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन चैनल कोई भी रिसीव नहीं हो रहा है 2 फीट पर। पहले मुझे काफ़ी चैनल रिसीव हो जाते थे, लेकिन आज की डेट पर नहीं। तो दोस्तों, मैंने सोचा चलो आज 4 फीट पर ट्राई करते हैं, शायद कोई चैनल रिसीव हो जाए। तो दोस्तों, आज 4 फीट पर इसकी सेटिंग दिखाऊंगा और चैनल स्कैन करके देखेंगे आज की डेट पर कितने चैनल मुझे मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका सेटिंग का वीडियो आप ध्यान से देखिए, तभी आप इसको सेट कर पाओगे, क्योंकि इसका कवरेज जो है बहुत कम है। अगर आपके इलाके में इसका कवरेज बहुत ज़्यादा ही कम है, तो आप इससे भी बड़ी डिश का इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको इसके सिग्नल जो हैं रिसीव होंगे। तो इसका जो कवरेज मैप है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लेना आपके इलाके में इसका कितना कवरेज है, उसी हिसाब से आप डिश साइज का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं डिश के सामने, इसका सेटिंग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टीपी आपको कौन सा डालना है, कितना अप डाउन करना है, एक एक चीज़ नाप कर दिखा दूँगा, ताकि आप आसानी से इसको सेट कर पाओ। और दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं डिश के सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, इसका LNB स्क्यू हॉरिएंटल में रहता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिए 93 East। और 6.5 इंच, 6.5 इंच डिश को डाउन करना पड़ेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आप सही से देख पा रहे हो, 93 East से। और यहाँ से भी देख लीजिए, 4 नंबर पर हमारा 93 East है, 4 नंबर से लेके 3 नंबर के आगे तक 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर है 3 East, और यहाँ पर हमारा 93.5 इंच से मामूली सा ज़्यादा। डिश के पीछे खड़े होकर डिश को राइट साइड को घुमाना है, तो इसका सिग्नल जो है आराम से मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये 93, 75, 38 और यूटिल सेट 3B। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रॉन्ग टीपी और चैनल स्कैन करके देखते हैं। और दोस्तों, वायर आप चेक कर लीजिए, ये वाइट कलर का वायर हमारे फॉरफेट डिश एंटीना से सीधा हमारे सेटअप बॉक्स पर आया है। और यहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी आप नोट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर देख पा रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बोलकर बता देता हूँ, 11015 हॉरिएंटल 24999। इस टीपी को डालकर आराम से इसको ट्रैक किया जा सकता है। 4 फीट पर भी देख लीजिए दोस्तों, इसका सिग्नल फ्लैक्चुएट ही हो रहा है। तो देखते हैं आज कोई चैनल हमें रिसीव होता है या नहीं। टीपियों को ऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हो, यार लाइक कर दिया करो, फ्री में है। एंटीना सेटिंग में चलते हैं। क्यू बैंड का सैटेलाइट है, LNB फ्रिक्वेंसी 97.50/10600 रहेगी। तो देखते हैं आज की डेट पर हमें कोई चैनल रिसीव होता है या नहीं होता है। अगर कोई भी चैनल रिसीव नहीं होता है, तो इसका कारण सिग्नल फ्लैक्चुएट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन टीपियों पर अभी कोई चैनल है ही नहीं। ज़्यादातर तो मुझे यही लगेगा कि इन टीपियों पर अगर कोई चैनल नहीं मिलता है, तो सिग्नल फ्लैक्चुएट का ही रीज़न है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो।
तो 200 स्कैन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही बुरी खबर है कि 4 फीट पर भी इसका कोई भी चैनल रिसीव नहीं हुआ है, और इसका रीज़न यही है, देख लीजिए सिग्नल एक जगह पर स्टेबल नहीं रह रहा है। इसके लिए आपको और भी बड़ी डिश की ज़रूरत है। अगर आपके पास 6 फीट या फिर 8 फीट का डिश एंटीना है तभी आप इसे ट्रैक कीजिए, अगर आप कवरेज के आसपास हो तो। उसका मैप भी मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप कवरेज देखने के बाद ही इस सैटेलाइट को सेट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर आगे भी कर दीजिए ताकि और लोग भी कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।